तो चलिए दोस्तों, अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड नया बनाने के लिए और लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आप यूनिफाइड पोर्टल का मेंबर पोर्टल ओपन कर लीजिए। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा इसका, अगर आपको पता नहीं है तो। तो यहाँ पर जैसे होम पेज ओपन होने के बाद आप नीचे यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक कर दें। फॉरगॉट पासवर्ड पर जैसे क्लिक करेंगे, आपको इंटर यूएएन और इंटर कैप्चा दिया है, तो आपको अपना यूएन नंबर यहाँ पर एंटर कर देना है। तो चलिए, मैंने अपना यूएन नंबर और ये कैप्चा कोड जो दिख रहा है उसे मैंने यहाँ पर डाल दिया है। कैप्चा कोड अगर कैपिटल लेटर में है तो कैपिटल लेटर में, और अगर स्मॉल लेटर में है तो स्मॉल लेटर में ही डाल दिए। उसके बाद यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। तो देखिए, सबमिट पर जैसे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बता रहा है। तो आपका तो ये मोबाइल नंबर जो है गुम हो चुका है या तो फिर सिम बंद हो चुका है, तो इसके लिए आपको यस नहीं करना है, आपको यहाँ पर नो पे क्लिक करना है। अभी इसका जो है वेबसाइट थोड़ा स्लो चल रहा है, आपको यहाँ पर लोड होने में टाइम लग सकता है, तो आप थोड़ी देर वेट कर लीजिए। तो देखिए, ये लोडिंग होने लगा। अब यहाँ पर आपका नया जो है बनाने के लिए यहाँ पर दूसरा पेज खुल गया है। यहाँ पर आपका यूएन नंबर हो गया और मोबाइल नंबर, उसके बाद आपको बोल रहा है इंटर योर डिटेल्स, तो आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल देना है। तो चलिए, मैंने अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर जेंडर में आप अपना जेंडर सिलेक्ट कर लीजिए और फिर इसे वेरीफाई कर दीजिए। वेरीफाई पर जैसे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर जो है नया एक पेज ओपन हो जाएगा। तो देखिए, नया पेज यहाँ पर खुल चुका है। अब यहाँ पर वैलिडेट अगेंस्ट बोल रहा है, तो आपका अगर आधार नंबर याद है तो आधार नंबर यहाँ पर डाल दीजिए, या तो फिर पैन नंबर, दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर लीजिए। अब आधार नंबर डाल देने के बाद यहाँ पर फिर से वेरीफाई पर क्लिक कर दीजिए, वैलिडेट लिखा है। अब इसके बाद आपको जो नंबर पे अपना अभी नया करना है, नया नंबर यहाँ पर सिलेक्ट करना है, तो वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। मोबाइल नंबर डाल देने के बाद उसके बाद गेट ओटीपी पे जैसे क्लिक करेंगे, आपके पास एक ओटीपी आएगा। अब देखिए, यहाँ पर लिख कर आ रहा है ओटीपी सेंड सक्सेसफुली। अब ओटीपी भी आ चुका है, तो अब मैं इसे देख लेता हूँ। अब चलिए, यहाँ पर ओटीपी अपने को एंटर कर देना है। ओटीपी एंटर करने के बाद इसे भी आप वेरीफाई कर लीजिए। अगर आपका आधार से नहीं हो पा रहा है तो आप पैन नंबर भी वहाँ पर जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है और एक ओटीपी आएगा उस मोबाइल नंबर पे, तो आपको यहाँ पर ओटीपी नंबर वेरीफाई कर देना है। देखिए, अब ये लोड हो चुका है। अब यहाँ पर आपको बोल रहा है न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, तो अब आपको यहाँ पर कंफर्म एक नया पासवर्ड बना लेना है, क्योंकि आप अपना पुराना पासवर्ड भूल गए हैं। तो यहाँ पर नया पासवर्ड बनाकर उसे कंफर्म कर लीजिए और सबमिट कर दीजिए। बस आपका अब मोबाइल नंबर और पासवर्ड नया बन चुका है। अब इसे आप उसी पासवर्ड और मोबाइल नंबर से आप लॉग इन कर सकते हैं अपना यूएन। इसके अलावा दोस्तों, आप और एक तरीके से भी इसे कर सकते हैं कि यूएन हेल्प डेस्क भी आता है, एक आवर सर्विसेज में जाएंगे तो वहाँ पर, लेकिन अभी वो नहीं खुल रहा है क्योंकि ये बीटा वर्जन में जो है अपडेट हो रहा है, इसकी वजह से वो ऑप्शन नहीं खुल रहा है। वो जैसे ही ऑप्शन खुलेगा तो आप वहाँ पर यूएन हेल्प डेस्क में जैसे जाएंगे, यहाँ पर उसके बाद ओपन ये मेम्बर पर सिलेक्ट करेंगे, तो उसके बाद आपको अपने प्रॉब्लम के बारे में यहाँ पर दिखाई देगा, तो आपको वहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पर जैसे प्रॉब्लम पे आपको कुछ ऑप्शन आ जाएंगे, तो वहाँ पर आपको इसमें से सिलेक्ट कर देना है कि फॉरगॉट पासवर्ड एंड मोबाइल नंबर इज चेंज्ड, तो उसमें आपको फिर एक नया पेज खुल जाएगा जहाँ पर आपको अपने सारे डिटेल भर देने हैं। सारे डिटेल भरने के बाद वहाँ पर आप जो है अपना सब चीज़ चेंज कर सकते हैं।